हाय ट्रेडर्स, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। निफ्टी व्यूज 23 जून 2021 आज है 22:07 बजे, करीब 7 बजे। अगर मार्केट ने एक गैप अप खुला जो सर्कल मार्क किया, उसके थोड़ा अप गया फिर सेल ऑफ हुआ। ये जो छोटा सर्कल मैंने मार्क किया है यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा गड़बड़ का मामला है। अब क्या, अब स्ट्रांग सपोर्ट जोन 15,000-16,600 के आसपास है, ये स्ट्रांग सपोर्ट है। और रेसिस्टेंस है करीब 15,900 के करीब, 15,861 तो बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस है ज्योमेट्रिक, और उसके बाद 16,000 का रेसिस्टेंस है। अब देखना है कैसे खुलता है मार्केट। अगर यहीं पर गैप यहीं पर खुलता है जहां पर आज खुला है, क्लोज हुआ है, तो एक स्लाइड होके 15,600 पॉसिबल है, अपसाइड 15,900 में रेसिस्टेंस है। अगर गैप डाउन खुलता है तो एक संभावना है कि एक अपवर्ड मिले और फिर एक फ्लैट क्लोजिंग हो सकती है। फिर थर्सडे को देखेंगे अपूंग होता है या 16,000 का चक्कर मारता है या नहीं मारता है। सब कुछ डिपेंड होगा रिलायंस पर, रिलायंस अब मार्केट है। अब देखें बैंक निफ्टी का हाल क्या है। बैंक निफ्टी में भी एक बहुत गैप अप मिला यहाँ पर, उसके बाद अपूंग मिला, फिर थोड़ा सेल ऑफ हो गया, ये गड़बड़ दिखा दिया, ये छोटा सर्कल है, ये गड़बड़ हो गया। अब क्या, अब सपोर्ट है 34,500 में, बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वो समझ जाता है तो ठीक है, फिर एक अपूंग मिलेगा, साइडवेज जोन मिल सकता है। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो 34,300 में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होगा, तो ये जगह है बाउंस करने का। अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से एक अपूंग मिल सकता है, गैप अप खुलता है तो थोड़ा साइडवेज एक्शन मिल सकता है। ट्रेडिंग वेनेसडे को साइडवेज होने की संभावना है। हाँ, थर्सडे को एक अपूंग मिल सकता है अगर रिलायंस में अच्छी तेजी दिखी तो, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है अब तक, और 16,000 का आंकड़ा है, ठीक है। मार्केट तो करेगा वही जो मार्केट को करना है, हमको तो वही करना है जो हमको करना है, हमको हमारे पॉइंट्स तैयार हो और उसी को तो ट्रेड करना है बस, क्योंकि भाव भगवान है।